हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं परवीन सैनी आप सभी के सहयोग से खरखोदा नगर पालिका चेयरमैन के लिए भावी उम्मीदवार आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आने वाले खरखोदा नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में वोट देकर विजयी बनाए। खरखोदा के विकास के लिए लगातार समर्पित रहूंगा। धन्यवाद। राजनीतिक पार्टियां बढ़ाएंगी चेयरमैन के भावी प्रत्याशियों की बेचैनी। खरखोदा नगर पालिका चेयरमैनी का चुनाव मई 2023 में होना है, क्योंकि 12 मई को मौजूदा चेयरमैन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इससे पहले ही आदर्श आचार संहिता लग सकती है। हालांकि अभी तक चुनावी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन अभी से करीब 20 दावेदार चेयरमैनी के लिए कतार में है। लेकिन अगर खरखोदा नगर पालिका चेयरमैनी के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने रुचि ली तो भावी प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ सकती है। चेयरमैनी का चुनाव लड़ने वाले जो भावी प्रत्याशी राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं, उन्होंने अपने आकाओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, भाजपा, जजपा व आम आदमी पार्टी सहित कई पार्टियों की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। खरखोदा का यह चुनाव ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार चेयरमैन पावरफुल होगा जो डायरेक्ट चुनाव जाएगा। खरखोदा शहरवासियों को पहली बार चेयरमैन वोट से बनाने का मौका मिलेगा। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।